अच्छा महोदय, एक विशेष विषय का इन्होंने उल्लेख कर दिया तो मैंने अपने मंत्रालय की ओर से NDRF में छूट दी जाए इसके लिए गृह मंत्रालय को हमने पत्र भेज दिया है और मुझे विश्वास है जब अगली बैठक होगी तो उसमें निराकरण होगा। महोदय, मैं इस चर्चा के लिए आभारी हूँ क्योंकि किसानों पर जो इस प्रकार की आपदा आई है, हमारे त्यागी जी ठीक ही बता रहे थे कि सरकार से जितना खपा त्यागी जी हैं उतना ही कुदरत किसान से खपा है, क्या यही ना बोले थे? सरकार आपसे, आप सरकार से जितना खपा है कुदरत उतना ही किसान से खपा है। तो निश्चित रूप से ये जो मुझे जो अभी तक जो रिपोर्ट आई है, पहले मैं उसको रखना चाहूँगा कि पिछले 3-4 दिनों में देश के विभिन्न राज्यों के कई स्थानों में भारी वर्षा हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर राज्यों में कई स्थानों पर, कई जगहों पर तो 8-10 सेंटीमीटर तक भी वर्षा हुई, मतलब 8-10 सेंटीमीटर मतलब भारी गंभीर। और ऐसे जो जिले हैं जहां 8-10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है उसमें करनाल, पंजाब में अमृतसर, उत्तर प्रदेश में बरेली, कानपुर आदि, माने और भी है जिसका नाम हम नहीं ले रहे हैं, महाराष्ट्र में यवतमाल, चंद्रपुर, अमरावती, पुणे आदि, मध्य प्रदेश में जबलपुर, खजुराहो आदि जिलों में अतिवृष्टि हुई है, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। कल की रिपोर्ट में कुछ जगहों को छोड़कर अधिकतर जगह मौसम साफ रहा है और अभी तक प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर गैर मौसमी वर्षा के कारण कई जगहों पर फसलें प्रभावित हुई है और इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत मूल्यांकन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट अभी एक आकलन आया है प्रारंभिक, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 27 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 7.5 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 14 लाख हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल में 49,000 हेक्टेयर और पंजाब में 6,000 हेक्टेयर फसल पर प्रभाव पड़ा। ये प्रारंभिक आकलन राज्यों ने भेजा है और मैं लगातार 3 दिनों से या तो राज्य के मुख्यमंत्रियों से या फिर प्रधान सचिव से, कृषि मंत्री से या फिर एग्रीकल्चर के जो प्रधान सचिव हैं उनसे मैं संपर्क में हूँ और अधिकतर राज्य सरकारों ने अपना प्रयत्न प्रारंभ किया है। महोदय, नुकसान हुआ है किसानों का, इसमें तो किसी का दो मत नहीं हो सकता है। अब है कि उसको मिलने वाली जो सहायता है उस पर हम सब लोगों ने चिंता की है, जो सहायता मिलती है वो किसान के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इससे पूरा सदन सहमत है। और खास करके जो ये बातें आई कृषि बीमा योजना, तो मैं उसके संबंध में थोड़ी जरूर चर्चा करूंगा। कल जो भाषण हुए हैं या आज भी जो भाषण हुए, निश्चित रूप से सब लोगों ने राजनीति से अलग हटकर चर्चा की, थोड़ा बहुत माननीय त्यागी जी से तिवारी जी तक थोड़ा बहुत राजनीतिक फूट रहा होगा, नहीं तो हम सब लोगों ने और आप लोगों ने भी, त्यागी जी और तिवारी जी ने भी, तो मुझे शब्द अच्छा लगेगा, जो जो विचार आए वो किसानों के हित में आए, और मैं भी मन से बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ है, किसान की ही बात कर रहा हूँ, राजनीति इसमें नहीं डाल रहा, खुद किसान है। प्रमोद, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि इनके पास हिम्मत नहीं है कुछ सही बात बोलने का, मैं उनको जरूर कहना चाहूँगा कि मुझ में वास्तव में ये हिम्मत नहीं है कि जब हम किसान की बात करें तो राजनीति भी शुरू करें, ये हिम्मत हमारे पास वास्तव में नहीं है। तो ये जो कृषि बीमा योजना है, ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू हुआ था उस समय किसानों का प्रीमियम कम था और एक जो भारत सरकार की एजेंसी उस काम को करती थी, लेकिन जब दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई तो एक मॉडिफाइड कृषि बीमा शुरू की गई, और जो शुरू की गई हम लोग के सरकार में आने के पहले तो कई राज्यों ने विरोध किया, तो उस समय आदरणीय कृषि मंत्री जी ने रबी के फसल तक के लिए वो स्थगित कर दिया। फिर जब हमारी सरकार आई और खरीफ में उसको शुरू होना था तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, 8-10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा, गुजरात, कि हम इसको नहीं शुरू करेंगे, पहले वाला जो चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इस प्रकार के आदेश दिए और उसी समय हमने घोषणा की कि जो आगामी वित्तीय वर्ष
1500 का, उसमें हम एक नई कृषि आमदनी बीमा योजना लाएंगे। अभी तक तो हमारी बीमा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, लेकिन किसानों की आमदनी का बीमा। और इसके लिए हमने सभी सम्मानीय मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, उनके सुझाव भी आए, 4 बैठक अधिकारियों के साथ किया, और अभी हाल में हमने एक बैठक की जिसमें 20 राज्यों के या तो कृषि मंत्री थे या कृषि सचिव थे, और उस बैठक में 4 बातें तय हुई कि कुछ राज्य तो मॉडिफाइड जो कृषि बीमा है उसको शुरू किया है, लेकिन अधिकतर राज्य पुराने को ही चाहता है, तो पुराना करे या मॉडिफाइड करे या मौसम आधारित बीमा योजना शुरू करे, उस राज्य की इच्छा पर है। और उसी में एक प्रस्ताव उत्तराखंड के माननीय कृषि मंत्री ने लाया कि क्या हर्ज कि राज्य सरकार भी यदि कोई बनाता है अपने स्तर पर तो केंद्र उसको माने। तो उस बैठक में यह भी तय हो गई कि कोई राज्य यदि चाहता है, क्योंकि क्रियान्वयन एजेंसी राज्य सरकार है, कोई राज्य सरकार यदि चाहे तो अपने ढंग से भी इसकी योजना बना सकता है, लेकिन उसका अप्रूवल यहां से लेना पड़ेगा। और जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की हम आमदनी बीमा योजना की हमने घोषणा की है वो लगभग अंतिम चरण में है, और निश्चित रूप से जो अगला वित्तीय वर्ष नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा उस समय तक हम निश्चित रूप से इस देश में नई कृषि आमदनी बीमा योजना हम इस देश में लाने वाले हैं। सदन के माध्यम से देश के किसानों को हम ये बताना चाहते हैं। अभी जो राधामोहन जी, आप इस समय जो ये फसल है इसके बारे में जो आप फसल बीमा है उस फसल बीमा को लागू नहीं करेंगे तो अगले साल की बात अलग है। इस साल मैंने आपसे निवेदन किया कि जितने तरह के पुराने और नए कानून मिला करके रास्ता बन सकता है तो फिर वो मैंने आपसे निवेदन किया था, उस पर तत्काल मीटिंग बुलाकर कोई रास्ता बनाई। मैं अब आज पर आ रहा हूँ कि आज जो कृषि बीमा योजना है देश में जो राज्यों ने स्वीकार किया है उसके आधार पर हम किसानों की मदद कर सकते हैं, उसमें व्यवस्था है। और मौसम आधारित बीमा योजना भी है जो कई राज्य सरकारों ने उसको अपनाया है, और जिन जिन राज्यों के अंदर अभी आपदा आई है उसमें से अधिकतर राज्यों के पास, उत्तर प्रदेश के पास, महाराष्ट्र के पास भी ये मौसम आधारित बीमा योजना वहाँ चल रहा है, और इसका लाभ वहाँ के किसानों को 45 दिन के अंदर देना है। और जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है उसमें उत्पादन के बाद जो उत्पादन में कमी आती है उसकी भरपाई उसमें की जाती है, लेकिन मौसम आधारित बीमा योजना लगभग इन सभी राज्यों में चल रहा है और इसका लाभ उन राज्यों को मिल सकता है। देखो अब उसमें कि ये जितनी बीमा की योजनाएं हैं ये इसमें कौन एजेंसी वहां काम करे राज्य सरकार को ही तय करना है, ये राज्य सरकार को ही तय करना है। और अभी तक यदि आप देखेंगे तो अभी तक इसे देश में ये 2000 ये जो शुरू हुआ जो बीमा कंपनी जब से शुरू है तब से 10 करोड़ किसानों का इसका लाभ मिल चुका है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी एजेंसी राज्य सरकार है, एजेंसी कौन काम करे, कौन बीमा एजेंसी काम करेगी उसी को तय करना है, इसका ठेका वहीं को देना है, नॉर्म्स उन्हीं को तय करना है कि एरिया ब्लॉक वाइज रहे, तहसील वाइज रहे या पंचायत वाइज रहे। एक मध्य प्रदेश ऐसी सरकार है जिसने नीचे की इकाई को मध्य पंचायत माना है, उसको थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन ये राज्य सरकारों को ये राज्य सरकार सीमाएं तय करती है और एजेंसी तय करती है। और कृषि बीमा योजना और मौसम आधारित बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि इसमें विसंगतियां हैं और इसी को दूर करने के लिए एक नई बीमा योजना हम लाने वाले हैं। और जो भी विसंगतियां हैं वो राज्य सरकार जो एजेंसी बनाती है, अब 2012 में महाराष्ट्र के अंदर जो जलगांव जिले में जो ओले पड़े थे अब वहां ऐसा यंत्र लगाया कि जितनी बर्बादी हुई उसका आंकड़ा उसने नहीं दिया। अब लगभग 1000 एकड़ में बर्बादी केले की हुई थी और उसने आंकड़ा दिया 2000 एकड़ का। तो निश्चित रूप से बीमा कंपनियां जो इसमें गड़बड़ी करती है
तो कौन बीमा कंपनी काम करे ये राज्य सरकार को ही एजेंसी तय करना है। और हमने ये भी छूट दिया है कि आप अपने राज्य के लिए कौन बीमा योजना बना सकते हैं बनाए। लेकिन सवाल आज का है कि आज जो ये भारी संकट में किसान फंसे हैं उनकी सहायता के लिए जो मौसम आधारित बीमा योजना है इसका लाभ वहाँ के किसानों को दिया जा सकता है। और इस संबंध में लगातार क्या अभी तो बोल रहे हैं आपने सुना ही नहीं, मैंने वही बताया कि कितना प्रभावित हुआ है। एक प्रारंभिक आकलन राज्यों ने दिया है लेकिन राज्य को भी उसको सर्वे करना है, वो नीचे तक जा रहा है। आप एक रेट सब राज्य सरकार से हमने आज जो लेटेस्ट सुबह में दिया आपको बताया, जो हमने राज्यों से बातचीत की है, जो जानकारी दी है, यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भारत के कृषि मंत्री अपने मन से बता दे कि यहाँ इतना नुकसान हुआ यहाँ इतना नुकसान, ये व्यवस्था नहीं है। जो ओके ओके अब मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए, फिर आप पूछेंगे। मैं जो खरीफ की भी मैं बता रहा था सहायता के विषय में, तो ये जो सहायता राज्यों को करना है तो ये वर्षा जो है आपदा के अंदर नहीं है, लेकिन जो ओले वृष्टि हुए हैं वो आपदा के अंदर है। तो जहां ओला वृष्टि हुई है उसको हम उससे मदद कर सकते हैं। और अभी अभी कल भी चर्चा में बताया गया कि उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, महाराष्ट्र ने शुरू किया है, और इस आपदा के पर्याप्त फंड राज्यों के पास है, राज्यों के पास है, SDRF के पास फंड है। और जब हम आज चर्चा करते हैं और किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात नहीं की, कल उन्होंने अपने भाषण में किसानों की बात भी की। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि इस वर्ष आपदा के फंड में राज्यों के पास, हम दो चार राज्य का आपको उदाहरण देंगे कि उत्तर प्रदेश को यदि इस वर्ष दिया था 468 करोड़, तो अगले वर्ष 675 करोड़ की राशि आवंटित की गई SDRF के अंदर। यदि राजस्थान को इस वर्ष 730 करोड़ दिए गए हैं तो अगले वर्ष के लिए 1103 करोड़ दिए गए हैं। इसी प्रकार से पंजाब को यदि 270 करोड़ दिए गए इस वर्ष तो अगले वर्ष के लिए 390 करोड़ दिए गए हैं। इसी प्रकार से हर राज्यों के लिए प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति है, और उनके ही निर्देश पर नई कृषि बीमा आमदनी योजना की शुरुआत देश में होने जा रही है। और जहां तक वर्षा को आपदा में नहीं, ऑल राइट। अरे भाई आज भी तो मौसम आधारित बीमा योजना हमारा चल रहा है और पूरी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। राज्यों के साथ संपर्क में है, राज्यों ने शुरू कर दिया है और हम पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। और जो चंद्रपाल जी ने बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी है कि वर्षा को राष्ट्रीय आपदा नहीं माना गया है, ये वास्तव में राज्यों के अंदर कई प्रकार की आपदाएं आती है जिसको SDRF या NDRF के अंदर नहीं लिया गया है। मैं गांव में रहता हूं, मुझे पता है, और इसीलिए एक प्रस्ताव हमने दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि होली के बाद निश्चित रूप से राज्यों को तोहफा मिलेगा कि सबको राष्ट्रीय आपदा के तहत शामिल करें। दूसरी बात अरे How many times you have to intervene? This is not the way. आज हमारा विषय। Why do you respond to this? Don't respond to this. राज्यों की बात हो रही है और भारत की सरकार हर प्रकार की सहायता। Intervene once or twice. हर प्रकार की सहायता करने के लिए पूरी मुस्तैद है और हमारे पास पर्याप्त फंड है, राज्यों के पास पर्याप्त फंड है। और कहीं उनका फंड अभी समाप्त हो जाता है तो वो हमको पत्र देंगे, स्मार्ट पत्र देंगे, तुरंत मेरा टीम जाएगा, आकलन करेगा। और मैं महोदय जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये जो राज्य हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को अभी सूखा की जब आपदा आई थी तो हमने महाराष्ट्र को छोड़कर तीनों को पैसा दिया है।
जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, माननीय सांसद जी बोल रहे थे 4,500 करोड़ रुपए की मांग की गई है, नहीं 4,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और 22 जिले प्रभावित थे। बाद में फिर उन्होंने स्मारक पत्र दिया कि नहीं 26 जिले प्रभावित हुए हैं और 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मैं खुद गया था अभी 15 दिन पहले, सारे MP बैठे थे, मुख्यमंत्री बैठे थे और उनका प्रस्ताव अब HLC में जाने वाला है, लेकिन राज्य सरकार 2,500 करोड़ रुपया अभी तक खर्चा कर चुकी है। हम जो सैंक्शन करेंगे वो पैसा उनको मिलेगा, भरपाई होगी। राज्यों को पूरी छूट है कि उसके पास जो फंड है उसमें से खर्चा करे, फंड समाप्त है तो कंटिजेंसी का फंड है उसमें से खर्चा करे और राज्य भारत सरकार पूरे भरपाई के लिए तैयार है। और अंतिम निवेदन, जो हमारे चंद्रपाल जी ने कहा कि किसानों को पेंशन, इस होली के अवसर पर अटल पेंशन योजना की जो घोषणा हुई है ये किसानों के लिए अनुपम उपहार है और देश के तमाम किसान को पेंशन इसमें मिल सकता है। ये होली के अवसर पर देश को किसान को मिला हुआ उपहार है और इस आपदा में भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों को मदद करने के लिए तैयार है।